हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे। हम लोग बढ़िया है गाइस, और मैं हो गई हूँ तैयार मंदिर जाने के लिए। तो गाइस अभी 8 बज गए हैं, देखिए घड़ी में 8 बजे हैं और अभी हम मंदिर जा रहे हैं और तैयार हो गई हूँ। और मेरा बेटा का आज स्कूल में हाफ डे है और उनके साथ में जाने हैं, और अभी ना उसको मतलब पहले मंदिर जाएंगे उसके बाद स्कूल में जाएंगे। आज का रिपोर्ट कार्ड है और देखिए, और ये इसको भी लेके जा रही हूँ अभी। तो गाइस मैं अभी मंदिर जाती हूँ, फिर मिलती हूँ। मैं अभी मंदिर जा रही हूँ, फिर और देखी मैं कैसी लग रही साड़ी में बताई। तो गाइस अभी हम मंदिर पहुंच गए हैं, और ये है राम मंदिर, और यहीं पे शिवलिंग पे पानी चढ़ाया जाता है, दूध वगैरह जो भी चढ़ाते हैं यहाँ पे। और देखिए अभी यहाँ पे चप्पल वगैरह खोलेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हाथ धोने के लिए पानी वगैरह की सारी व्यवस्था है। और बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। और देखिए आज ना मौसम थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है, तो इसलिए हम आ गए हैं। बहुत दिन से लगातार बारिश चल रही थी, और देखिए आज बारिश मतलब नहीं है, मतलब 2 दिन से नहीं है यहाँ पर बारिश। अभी अच्छा लग रहा है, और सारे लोग आ गए, मतलब अभी तो बहुत कम लोग आए हैं क्योंकि सुबह सुबह तो उतना नहीं हो पाता है। और देखिए फिर भी इतने सारे लोग हैं, और हम लोग तो सुबह ही आ गए हैं क्योंकि बाद में ना बहुत ज़्यादा दूर है हमारा मंदिर यहाँ से, तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है। और मुझे आज स्कूल में भी जाना था, इसकी वजह से मैं आ गई सुबह। और हमने अभी मंदिर में दर्शन करके हमारा हो गया है, और देखिए अभी हम स्कूल पर जा रहे हैं, स्कूल में जाके उसके बाद घर पर जाएंगे। और देखिए अभी यहाँ पर ज़्यादा कुछ बनाया नहीं मैंने ब्लॉग, और देखिए अभी हम दर्शन करके आ गए हैं। मेरा बेटा ना बहुत चिंता में है, टाइम हो रहा है मम्मा करके, वैसे 11 बजे तक है, 9 बजे से 11 बजे तक, अभी 9 नहीं बजा है, तब तक हम स्कूल में पहुँच जाएँगे, बस थोड़ा है यहाँ से। और देखिए अभी जा रहे हैं, बोल रहे हैं मम्मा जल्दी चलो वहाँ पे, फिर हमको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो गाइस अभी स्कूल में जाके आ गए हम लोग, और देखिए ज़्यादा समय नहीं लगा, बहुत ही कम लोग आए थे। और देखिए अभी हम आ गए हैं, क्योंकि सुबह सुबह बहुत मतलब कम लोग आते हैं, उस टाइम उतना ही नहीं रहता है, बाद में ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, मतलब लाइन में रुकना पड़ता है। और देखिए अभी मैं घर पर आ गई हूँ, और मैं अभी कपड़े डाली हूँ, धूप आई है, मैं ना एक बाल्टी भर के कपड़े धो के गई थी आज। मैं 3:30 बजे उठी, और उसके बाद मैंने पूरा पोछा वगैरह लगाया, बाहर धोया, और वीडियो वगैरह भी नहीं बनाया, बस फटाफट करते रही। और फिर उसके बाद मैंने बेडशीट वगैरह सारे धोने थे, पिल्लू कवर सब धोने थे, सारे कपड़े वगैरह धोए, और खाना बनाया, नाश्ता बनाया, और उसके बाद तैयार हुए, सीधे गए, चाय वगैरह भी नहीं पिया, और सब आने के अभी भी नहीं पिया चाय, कुछ भी नहीं खाया नहीं पिया, बस अभी कपड़े डाल लेते, एक बार धूप निकली है ना बहुत दिन से, तो और फटाफट में कपड़े वगैरह डाल रहे हूँ, और थोड़ी देर में बारिश भी आ जाएगी, और थोड़ा धूप रह रहा है, फिर बारिश आ रही है, थोड़ा धूप थोड़ा बारिश ऐसा चलते ही रह रहा है, क्योंकि अभी मौसम ही ऐसा है, सीज़न अभी बारिश का ही चल रहा है, तो फिर भी थोड़ा बहुत धूप मिल जाती है ना, बहुत अच्छे से सूख जाते हैं कपड़े, बदबू भी नहीं आती है। और मेरा बेटा अभी वीडियो बना रहा है, और मैं कपड़े डाल रही हूँ अभी। तो कहीं भी जाना रहता ना मैं सुबह ही करके जाती हूँ, मुझे आने के बाद ना बहुत ज़्यादा आलस आता है और अच्छा भी नहीं लगता है, और इसके वजह से सुबह ही मैं करके गई, मतलब जल्दी उठ गई थी 3:30 बजे, और दिन तो 4 बजे उठती, आज मतलब 3:30 बजे उठ गई थी, आधा घंटा पहले उठ गई थी, और नहीं तो 4 बजे उठती, क्योंकि इतना जल्दी भी नहीं उठना चाहिए ना, 3 बजे अच्छी बात नहीं है, और 3:30 बजे भी अच्छी बात नहीं है उठना, क्योंकि रात तो सोने के लिए रहता है, काम करने के लिए रहता है, पूरा दिन तो काम ही करना है, मतलब 4 बजे सही है, क्योंकि 4 बजे भी मैं अभी इनको खाना वगैरह बनाना रहता है, टिफिन लेके जाती है, इसकी वजह से उठती, नहीं तो 5 बजे बराबर टाइम है, 5 बजे उठ जाना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे मैंने इतना घी डाल दिया है, और यहाँ पे ना मैंने आटा भी छान के रख लिया है, और यहाँ पे मैंने ग्राइंडर करके रख लिया है मैं केले को, देखिए केले के इस तरह मैंने ग्राइंडर कर लिया है। और देखिए अभी मैं हलवा बना रही हूँ, देखिए कैसे बनाती हूँ, और इस तरह ना केले का हलवा बहुत टेस्टी रहता है, देखिए मैंने घी अच्छे से डाला है, थोड़ा बना रही हूँ मैं, दिखाऊँगी मैं कैसे बनाती हूँ।
तो गाइस मैंने इसमें शक्कर डाल दिया है और देखिए इसको ना मैं थोड़ा सा और निकालूंगी इसको ऐसे ही थोड़ा भून के। और मेरे बच्चों को ना इस तरह बहुत पसंद है और मेरा बेटा का तो मतलब ये आटे का हलवा ना बहुत पसंद है। और देखिए अभी मैं थोड़ा सा इस पर निकालूंगी और उसे भी इसको ना कल तक भी खाएंगे ना ख़राब नहीं होता, अच्छा रहता है। और मैंने अभी पेस्ट डाल दिया है जो केले का बनाया था और इस तरह से बनाने बहुत टेस्टी बनता है, केले का हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और एकदम गरम गरम नहीं खाना, थोड़ा ठंडा होने के बाद खाना है और ज़्यादा टेस्टी रहता है, एकदम चॉकलेट जैसा बनता है और सिंपल तरीका रहता है बनाने का, कोई ज़्यादा ये नहीं रहता है। और देखिए यहाँ पर दूध डाली हूँ मैं और क्योंकि मेरे पास अभी केले पके थे मेरे तो इसके वजह से मैं बनाई, नहीं तो नहीं बनाती हूँ। और देखिए ज़्यादा केले हो गए तो मैंने बोला थोड़ा हलवा ही बना लेती हूँ और मीठा भी हो जाएगा और मीठे में हलवा बनाने। और अभी ना 6 बजने वाला है शाम का और 6 बजे बना रही हूँ मैं और खाना भी बनाती रहूँगी अभी साथ साथ में, टाइम भी हो गया है। मेरा बेटा पहले से ही बोला था मम्मा बनाओ बनाओ करके, उसको ना केले का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइस मेरा हलवा बन के रेडी हो गया है और देखिए कितना मस्त बना है और खाने में भी उतना ही मस्त होता है। और देखिए और यहाँ पे साथ साथ मैं खाना भी बनाने लग गई थी और यहाँ कुदरू की सब्ज़ी बना रही हूँ और सेल बना रही हूँ। और ये हमारे गांव में ना और बहुत ज़्यादा बनता है ये हर त्यौहार में और सेल बोलते हैं इसको, चावल का बनता है और मेरे से उतना अच्छा नहीं बन रहा है और मेरी मम्मी से ना बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ पर मीठा वाला भी बनाऊँगी मैं, अभी तो ऐसे ही बना रही हूँ और मीठा वाला ना ज़्यादा अच्छा बनता है। और पूरी भी बनाऊंगी और ये भी बनाऊंगी। और देखिए मीठा वाला भी बनाया मैंने अभी, मेरे बच्चों को ना मीठा वाला ज़्यादा पसंद है, मुझे पसंद नहीं है मीठा वाला, तो इसलिए मैंने आधा मीठा वाला बनाया आधा वाला बनाया, मीठा वाला ज़्यादा अच्छा बन रहा था। गाइस मेरा खाना पीना बन गया है और अभी मैं सब कर रही हूँ। और तो गाइस वीडियो एंडिंग में यहीं पे करती हूँ, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। मेरी वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी नए लोग मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद जय भारत।